10 साल पहले जिस तेजी से राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुए थे, आज उसी रफ्तार से बंद होने की कगार पर पहुंच गए। इंजीनियरिंग में प्रवेश की मंदी का आलम यह है कि सिर्फ तकनीकी शिक्षा पर निर्भर कॉलेज जैसे तैसे गुजारा करने को मजबूर हैं। इन संस्थानों में पिछले 3 साल से 20% प्रवेश भी नहीं हो पाए, और यही नहीं, प्रदेश में साख रखने वाले बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की भी हालत खराब हो चली है। और ऑपरेशन एमपीटीवी इंडिया में हम आपको बताएंगे कि कैसे अजमेर में खुले इंजीनियरिंग कॉलेज आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मंदी की पहली बड़ी खबर हम अजमेर से लेकर आ रहे हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक जयपुर रोड स्थित मशहूर सेंट विल्फ्रिड कॉलेज ने इंजीनियरिंग कोर्सेज को बंद कर दिया है। प्रवेश मंदी का आलम यह है कि इस साल बीटेक फर्स्ट ईयर में जिस भी छात्र ने दाखिला लिया था उनकी फीस वापस कर दी है। उन्हें अंतिम समय में कॉलेज ने बीच राह में छोड़ दिया है। राजस्थान में तकनीकी कॉलेज संचालन का खर्च भारी पड़ रहा है, और यही वजह है कि अजमेर के सेंट विल्फ्रिड इंजीनियरिंग कॉलेज जो जयपुर रोड पर स्थित है, उसके समूह ने अपने उन कॉलेजों को बंद करने का निर्णय ले लिया है जिनमें दाखिले कम हुए हैं। हालांकि मैनेजमेंट सीधे क्लोजर की तरफ ना जाकर कॉलेज बिल्डिंग में LLB और ITI जैसे दूसरे कोर्सेज को संचालित करने का मानस भी बना चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट विल्फ्रिड कॉलेज अजमेर में अब कोई डायरेक्टर नहीं है, तो फिर भला कॉलेज संचालित होगा कैसे? इस बात की जानकारी जब हमने सेंट विल्फ्रिड कॉलेज समूह के जयपुर डायरेक्टर केशव भड़ाया से लेनी चाहिए, उनको फोन किया, तो साहब को अजमेर के कॉलेज से कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि बिल्डिंग पर कब्जा साहब का, लेकिन यहां पढ़ रहे बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी लेने को केशव भड़ाया तैयार ही नहीं है। और सिस्टम की बेरुखी तो ऐसी कि अभी यहां तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों के भविष्य का ख्याल किसे होगा, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। ऐसे समूह सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों से साठ गांठ कर कॉलेज खोलने की मंजूरी तो ले आते हैं, लेकिन यह कोई देखने नहीं आता कि आखिर इन तमाम तकनीकी संस्थानों में हालात क्या हैं, लैब कैसी है, फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की क्या व्यवस्था इन संस्थानों में की गई है। इन सब व्यवस्थाओं से सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और ऐसे समूह को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ कागज पर छपे महात्मा गांधी नजर आते हैं। और अब हाल यह है कि जैसे ही बच्चों के प्रवेश में कटौती हुई, मैनेजमेंट ने अनस्किल्ड फैकल्टीज के भरोसे कॉलेज को छोड़ दिया है। और हमारे सूत्रों के मुताबिक अब यहां पर कोई भी तकनीकी शिक्षा के कोर्सेज को संचालित नहीं किया जाएगा। चलिए अब पहले देखिए ये रिपोर्ट जो ग्राउंड जीरो से हमने बनाई है, फिर आपको बताता हूं कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते अजमेर का बच्चा इन जैसे कॉलेजेस में पढ़ना नहीं चाहता। अजमेर की आज एक बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अजमेर के ही सेंट विल्फ्रिड कॉलेज के बाहर, और अंदर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। और आज आपको एक ऐसी बात अजमेर से हम बताने वाले हैं कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉलेज जो अजमेर के लिए खुला, वो कॉलेज कभी भी किसी भी वक्त बंद हो सकता है। सूचनाओं के मुताबिक, जो हमारे सूत्रों ने हमको जानकारी दी है उसके मुताबिक, सेंट विल्फ्रिड कॉलेज में इस सेशन के अंदर बीटेक के जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था उन तमाम स्टूडेंट्स की फ़ीस को वापस कर दिया गया है। उनको इस कॉलेज में जो दाखिला उन्होंने लिया था, अब फीस रिटर्न कर उनको कह दिया गया है कि ये कॉलेज कभी भी बंद हो सकता है। और इस बात के बाद यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अंदर हंगामा मच चुका है। उसी बात को जानने के लिए आज हम सेंट विल्फ्रिड कॉलेज आए हैं। यहाँ पर जो तत्कालीन डायरेक्टर यहाँ पर थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने सेंट विल्फ्रिड कॉलेज अजमेर को छोड़ दिया है, और उसके बाद अब समस्त जिम्मेदारी है जो भी नया डायरेक्टर आएगा उसकी होगी। लेकिन हमने जयपुर भी इनके जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की, और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अजमेर में जो डायरेक्टर है आपको उनसे बात करनी होगी। लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तब हमें यहाँ कोई नहीं मिला किसी प्रकार के डायरेक्टर का। जो इनका रूम है वो यहाँ पर खाली है। रिसेप्शन सामने जो एक काउंटर है उसमें मैं आपको ले चलता हूँ। अकाउंट डिपार्टमेंट का ऑफिस है। आपके यहाँ पे डायरेक्टर इस वक्त हैं या नहीं है? सर आप उधर बैठे, उधर मैं बात कराता हूँ। देखो कोई हो तो देखता हूँ, कोई हो तो एक बार।
यहाँ आए हुए हमको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट विल्फ्रिड कॉलेज क्या वाकई बंद होने वाला है, और इसके लिए कोई भी यहाँ पे अधिकृत तौर पर जानकारी नहीं दे रहा है। तत्कालीन जो डायरेक्टर यहाँ पर थे डॉक्टर भुवन, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि इस कॉलेज जो सेंट विल्फ्रिड कॉलेज अजमेर में जो बना है, जिसका एक डायग्राम है ये मैं आपको दिखाता हूँ, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया गया अजमेर के अंदर। बताया गया कि यहाँ पर बीटेक के कोर्सेज किए जाएंगे, करवाए जाएंगे, लॉ के कोर्सेज करवाए जाएंगे, आईटीआई करवाई जाएगी, डिप्लोमास कराए जाएंगे, लेकिन हालात ये हैं कि सेंट विल्फ्रिड के जो बच्चे इस साल जो आए थे उनके तमाम बीटेक के बच्चों को वापस फीस दे दी गई है। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी फीस हो सकता है नहीं दी गई हो, लेकिन जो सूत्र हमारे कह रहे हैं उनके मुताबिक सेंट विल्फ्रिड कॉलेज जो अजमेर में स्थित है वो कभी भी बंद हो सकता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे जो अभी सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि उन बच्चों के लिए मिनिमम फैकल्टीज यहाँ पर रखी जाएगी, यानी कि कॉस्ट कटिंग सेंट विल्फ्रिड मैनेजमेंट ने सीधे तौर पर कर दी गई है। सबसे बड़ी बात, जिन अधिकारियों को, जो कॉलेज का जो प्रशासन है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, वो सीधे तौर पर कोई भी जानकारी हमको इस वक्त नहीं दे रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि बीटेक के जो दाखिले हैं वो पूरी तरीके से सेंट विल्फ्रिड कॉलेज ने बंद कर दिए हैं। लॉ और आईटीआई के एडमिशन फिलहाल सेंट विल्फ्रिड ले रहा है, लेकिन जितनी संख्या बच्चों की इस वक्त यहाँ पर है उसके मुताबिक लगता नहीं है कि ये कॉलेज पूरी तरीके से एक साल भर भी चल पाएगा। खैर, कोशिश करते हैं हम कि किसी प्रकार से सेंट विल्फ्रिड के कोई आधिकारिक बयान हम आपको सुना पाएं। कॉलेज मैम, क्या कोर्सेज यहाँ पर बंद हो चुके हैं? लॉ कॉलेज रन कर रहा है, उसके स्टूडेंट्स के एडमिशंस भी हो रहे हैं। बाकी के कोर्सेज की स्थिति क्या है यहाँ पर? उसके लिए उसके डायरेक्टर से आप बात करें, वो ज़्यादा अच्छी जानकारी देंगे आपको उसके संदर्भ में। आप यहाँ क्या संभालती हैं? लॉ डिपार्टमेंट में। तो लॉ कॉलेज अभी यहाँ पर चलेगा जो सेंट विल्फ्रिड का है? हाँ जी, बिल्कुल। उसको मान्यता मिली हुई है? BCI की मान्यता है, MBS यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन है। बाकी चीज़ें के कोर्सेज के बारे में आप हमें जानकारी नहीं दे पाएंगे? संबंधित अथॉरिटी आपसे बात करेगी, वही बेटर जवाब देगी। कौन सी अथॉरिटी मैम इस वक्त यहाँ पर है, आप मुझे लेके चलेंगे वहाँ? कौन सी अथॉरिटी जिससे हम ये जान पाएँ इस कॉलेज में जो बीटेक के बच्चे हैं उनका भविष्य आखिर क्या रहने वाला है, क्या आप मुझे बताएंगे? आप एक बार टाइम देखें, जो टाइम है मैं टाइम के हिसाब से ही आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे से मैं आपकी जब मुझसे बात हो रही है तो 4:20 पे, तो मैं उससे पहले पूछ रहा हूँ मैम आपके, मैं कैंपस में आ चुका हूँ अंदर और मेरी रिसेप्शन पे भी बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑथराइज पर्सन नहीं मिलाकर है, तो आप मुझे लेकर आ सकते हैं? आप मुझे फ़ोन पे बात करा सकती हैं? हम कैमरे के ऊपर उस बात को भी रिकॉर्ड करेंगे अगर आपका कोई ऑथराइज पर्सन ऐसा है जो हमारे साथ फोन पे बात कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले कहा आप लॉ डिपार्टमेंट की रिगार्डिंग मुझसे बात करें, मैं उसके जवाब देने के लिए ऑथराइज हूं। जिस डिपार्टमेंट की आप बात करें मैं वहां से अथॉरिटी नहीं रखती उसके जवाब। ये लॉ डिपार्टमेंट सेंट विल्फ्रिड कॉलेज के अंदर चलता है, उसकी टीचर्स फैकल्टी हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर बीटेक की कोर्सेज के बारे में वो कोई भी जानकारी नहीं देंगी, लेकिन लॉ के लिए उनका कहना है कि लॉ की क्लासेस यहाँ पर चलती रहेंगी। तो देखा आपने, चलिए अब आपको कारण की ओर लेकर चलता हूं। कारण नंबर एक, अजमेर में खुल रहे या खुले हुए तकनीकी संस्थानों में अनस्किल्ड फैकल्टीज का होना सबसे बड़ा कारण एक नजर आता है। कारण नंबर दो, अजमेर में बच्चों को इन संस्थानों के माध्यम से कोई भी एक्स्ट्रा एजुकेशन इंफॉर्मेशन या स्किल नहीं दे पाना भी एक बड़ा कारण नजर आता है। कारण नंबर तीन, बच्चों के शैक्षणिक मानसिक विकास के लिए कोई भी आयोजन इन संस्थानों के माध्यम से नहीं करवाना। कारण नंबर चार, बड़े बड़े विज्ञापन छपवाकर 100% प्लेसमेंट का दावों का खोखला साबित होना। कारण नंबर पांच, इन संस्थानों में तकनीकी शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण लेबोरेटरी का नहीं होना भी एक सबसे बड़ा कारण है। और कारण नंबर छह, इन संस्थानों में नौकरी देने के लिए किसी कंपनी का नहीं आना, क्योंकि कंपनियों को भी पता है कि जब युवाओं में स्किल्ड होगी ही नहीं तो वहां जाने का आखिर क्या फायदा। खैर, आखिरी बात, इन्हीं कारणों के चलते ही ये कॉलेज अब बंद होने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर छात्र ऐसे कॉलेज को तकनीकी शिक्षा के लिए पसंद ही नहीं करते, और ऐसे कारण वाले अजमेर में और कितने संस्थान हैं ये आप हमसे बेहतर समझते हैं और जानते भी हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद छात्र अपने अपने संस्थान की छुपी हुई खस्ता हालत को हमसे साझा कर सकते हैं, जिससे उनकी हकीकत को
पूरा अजमेर जान सके और आपके भाई बहन का शैक्षिक भविष्य खतरे में जाने से बच सके।